आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। आज हम देखेंगे हैंडल बनाने का दूसरा तरीका। जो प्रीवियस वीडियो था बैग का, उसमें हमने साइड से हैंडल बनाए थे। अभी हम फ्रंट पार्ट में फ्रंट का हैंडल, बैक पार्ट में बैक का हैंडल बनाएंगे। ये दोनों साइड जॉइन करके हमने हैंडल बनाए थे। ये बैग हम उठाएंगे तो ऐसे दिखेगी और ये बैग उठाएंगे तो ऐसे दिखेगी। बैग का मेजरमेंट सेम है, बनाने का तरीका भी सेम है, सिर्फ हैंडल अलग तरीके से बनाए हैं। आइए देखते हैं ये हैंडल कैसे बनाना है। 26 इंच बाय 15 इंच के ये दो पार्ट्स हैं। इसकी हाइट 26 इंच है और इसकी विड्थ 15 इंच है। दो पार्ट हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और 15 इंच बाय 13 इंच के दो पार्ट्स लेंगे। ऐसे हमें फोल्ड करना है। इसकी हाइट 13 इंच है और इसकी विड्थ 15 इंच है। ये हम इसके नीचे रखेंगे और पहले हम पिन से जोड़ेंगे। इसके बाद हमें ऊपर से 12 इंच मार्क करना है। यहां से हम 4 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद 2 इंच, वैसे ही हमें नीचे की तरफ करना है। 4 इंच और उसके बाद 2 इंच लाइन खींचेंगे। ये 4 इंच की साइड है, 2 इंच की स्पेस हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हम ऐसे शेप देंगे। इसके बाद हमें कट करना है। ऐसे हमने कट किया, ये चारों पार्ट्स हम सेपरेट करेंगे। इसमें से हम एक पार्ट लेंगे। हैंडल की हाइट हमें 12 इंच लेना है। उससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 10 इंच थी। ये एक ही पार्ट में हमें हैंडल जोड़ना है, इसके लिए इसकी हाइट हमने 12 इंच ली है। ये सीधी साइड है, ये हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हमें ये पार्ट रखना है। यहाँ पर हम फोल्ड करके सिलाई करेंगे। इसे हमने सिलाई की है। इसके बाद हम ऊपर से 3 इंच जितना स्पेस छोड़ेंगे। वैसे ही दूसरी साइड में करना है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। ये हमने सिलाई की है।
इसके बाद हम ये दोनों साइड जोड़ेंगे, ऐसे हमें जोड़ना है। ये सिलाई होने के बाद हम दूसरी साइड जोड़ेंगे, इसको हमें इसे उल्टा करना है, ऐसे करेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हम सीधा करेंगे, दोनों साइड हमें जोड़ना है। तो ये बेल्ट कंप्लीट हो गया। वैसे ही हम दूसरी साइड का बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के बाद हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे।